गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त ने कमिश्नरी में किया ध्वजारोहण, मंडल के सभी नागरिकों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। 3 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, बुधवार को करेंगे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम के ग्राउंड पर फहराया तिरंगा, पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों सहित देशवासियों को गणतंत्र दिवस की दी शुभकामना। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पर किया ध्वजारोहण, संविधान की रक्षा और एकता की दिलाई शपथ, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित, कहा गरीबों की सेवा के लिए आगे आए संपन्न समाज। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने किया ध्वजारोहण, मेधावी छात्रों एवं कर्मचारियों को किया सम्मानित, कहा बदल रहा है शिक्षा का असर, ऑनलाइन एजुकेशन पर देना होगा ध्यान। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में 26 जनवरी के अवसर पर देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने किया ध्वजारोहण, खुली जिप्सी में परेड का किया निरीक्षण, परेड द्वारा हर्ष फायर कर जताया गया उत्साह व उल्लास, पुलिस कर्मियों को कर्तव्य निष्ठा की दिलाई गई शपथ। बुढ़वा मंगल पर गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ महाराज को खिचड़ी चढ़ाने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों ने आस्था के साथ चढ़ाई खिचड़ी, लिया गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद, श्रद्धालुओं ने कहा दर्शन मात्र से होती है सभी मनोकामनाएं पूरी। डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कोतवाली थाने में महिला हेल्प डेस्क और दुर्गाबाड़ी पुलिस बूथ का किया उद्घाटन, कहा महिला हेल्प डेस्क पर 24 घंटे महिला सिपाही रहेंगी मौजूद, महिला अपराध से जुड़े मामलों में महिलाओं की करेंगी मदद। हाफिज इरफान उल्लाह अपने हाथों से कुरान को लिखकर पेश की नई मिसाल, कहा अल्लाह की इबादत से मिलता है सुकून, खत्म होती है सारी बंदिशें। तहसील सदर में एसडीएम सदर ने फहराया तिरंगा, झंडे को दी सलामी, कहा अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना ही है असली गणतंत्र। गोरखपुर में मंगलवार को मिले मात्र 9 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,359, अब तक 357 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 113 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। 26 जनवरी को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्टर परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया ध्वजारोहण, अधीनस्थ पुलिस कर्मी और कर्मचारियों को दिलाई कर्तव्य निष्ठा की शपथ। 26 जनवरी को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय और जिला अस्पताल में भी फहराया गया तिरंगा, जिला अस्पताल में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत, एसआईसी ने कहा अस्पताल के 10 स्टाफों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। और बड़े ही धूमधाम से मनाया गया मां शाकंभरी भक्त मंडल का 9वां वार्षिक प्रकट उत्सव, निशान शोभा यात्रा के माध्यम से परिवार के सदस्यों ने किया मां शाकंभरी को याद।